ईपी के नंबर है वो ईपी नंबर डाल लेंगे और यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सिलेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ हम ईपी के नंबर और स्टेट सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ देख सकते हैं आप ईपी के नंबर का जो लास्ट का 3 डिजिट दिख रहा है आप वो आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है हम फॉलो बता रहे हैं कि या सही बता रहे हैं, ठीक है। वो करना हमको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने पर यहाँ आपको डिटेल आ जाएगा और यहाँ देख सकते हैं योर मोबाइल नंबर इज नोट रजिस्टर्ड इन रोल, यहाँ हमारा दिखा रहा है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए योर मोबाइल नंबर इज नोट रजिस्टर्ड इन ई रोल, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल फॉर्म 8। यहाँ देख सकते हैं नई लिंक है और नाम भी यहाँ थोड़ा देख सकते हैं। आने के बाद वो जो ई पिक नंबर है वो डाल लेना है, ठीक है। चलिए हम ई पिक नंबर डाल देते हैं। यहाँ ई पिक नंबर और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको करना है सर्च पर क्लिक कर देना है। चलिए हम सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे आपको आना है और यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं वही ई पिक नंबर वही नाम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब काफ़ी हद तक अच्छे होंगे और जहाँ होंगे मस्त होंगे स्वस्थ होंगे। तो इस वीडियो में हम वोटर कार्ड का एक नया अपडेट लेकर आ चुके हैं। आप थंबनेल पर एकदम सही देखें, आप इंस्टेंट मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हैं वोटर कार्ड के अंदर में और इंस्टेंट लिंक करके आप तुरंत डाउनलोड कर सकते हैं वोटर कार्ड में। अगर आपका वोटर कार्ड मोबाइल नंबर लिंक नहीं है, आप सोचते हैं लिंक करवाएंगे फिर कितना दिन में लिंक होगा उसके बाद डाउनलोड होगा कि नहीं, तो हम इस वीडियो में सबका सोल्यूशन लेकर आ चुके हैं। आप यहाँ न्यू अपडेट आ ही जा चुका है, आप इंस्टेंट लिंक करेंगे तो आपका इंस्टेंट का इंस्टेंट लिंक हो जाएगा और आप उसी तुरंत आप डाउनलोड कर पाएंगे वोटर कार्ड, ठीक है। तो कैसे आपका मोबाइल वोटर कार्ड मोबाइल नंबर इंस्टेंट लिंक करना है और जैसे आप लिंक करेंगे आपका लिंक सफलतापूर्वक हो जाएगा, आप डाउनलोड कर सकते हैं वोटर कार्ड को, ठीक है। तो क्या करना है इस वीडियो में बताएंगे। ये अपडेट अभी यूट्यूब पर कोई नहीं बताया है और सबसे पहले हम बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या करना है, इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना है, ठीक है। तो आपके जो मोबाइल में ब्राउजर है पीसी में जो ब्राउजर है वो ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद ब्राउजर के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है वोटर ECI, आपको टाइप कर देना है, ठीक है। वोटर ECI टाइप करके सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद ये पहला लिंक ओपन होगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना होगा, यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ वोटर ECI आपको लिखकर सर्च कर देना है। ECI जैसे आप सर्च पर क्लिक करेंगे वोटर ECI लिखकर आपको करना पहला लिंक मिलेगा, आप इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस ओपन होगा, इस तरह का वेबसाइट ओपन होगा। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप डाउनलोड डायरेक्ट वहाँ जाकर क्लिक करके इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। आपको करना है इस पेज में आने के बाद आपको करना रजिस्ट्रेशन करना होगा, यहाँ देख सकते हैं साइनअप करना होगा। यहाँ साइनअप का ऑप्शन है और यहाँ लॉगिन का ऑप्शन है, आप साइनअप करने के बाद इस पर लॉगिन पर क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। चलो हम साइनअप करने का प्रोसेस बताए थे, आपको करना है साइनअप पर क्लिक करना है। साइनअप पर क्लिक करने के बाद आपको करना है एक मोबाइल नंबर डालना है और एक मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें ईमेल आईडी ऑप्शन है, इसमें ईमेल नहीं डालना है और इसमें आपको कैप्चा कोड फिल करके कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद आपको दो ऑप्शन मिलेगा, पासवर्ड कंफर्म न्यू पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड लिखकर आपको कर देना है। OTP आएगा, OTP सबमिट हो जाएगा, उसके बाद अगर लॉगिन पर क्लिक करना है, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपको इस मोबाइल नंबर और पासवर्ड फिल करके कैप्चा कोड फिल करके लॉगिन हो जाना है, ठीक है। तो चलिए हम सब कर लिए हैं, हम डायरेक्ट लॉगिन करके दिखाते हैं आपको। लॉगिन करने के बाद कुछ तरह का इंटरफेस आपका ओपन हो जाएगा, यहाँ देख सकते हैं लॉगिन हो चुके हैं, यहाँ बता रहा है, यहाँ देख सकते हैं। तो आपको लॉगिन हो जाना है, लॉगिन होने के बाद कुछ तरह का इंटरफेस ओपन होगा, ठीक है। तो हम वोटर कार्ड दिखा देते हैं, जिस वोटर कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं और वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले दिखा देते हैं उस मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं, वो डाउनलोड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ईपिक डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, यहाँ आना है और ईपिक ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद हम इसमें वो जो ईपिक नंबर है वो ईपिक नंबर डाल देंगे और यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए सेलेक्ट करके दिखाते हैं। यहाँ हम ईपी के नंबर और स्टेट सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ देख सकते हैं आप ईपी के नंबर का जो लास्ट का 3 डिजिट दिख रहा है आप वो आप याद कर लेना, ठीक है। चलिए आपको याद रखना है, हम फॉलो बता रहे हैं कि या सही बता रहे हैं, ठीक है। वो करना हमको सर्च कर देना है, ठीक है। सर्च करने पर यहाँ आपको डिटेल आ जाएगा और यहाँ देख सकते हैं योर मोबाइल नंबर इज नोट रजिस्टर्ड इन रोल, यहाँ हमारा दिखा रहा है, यहाँ आपको दिखा रहे हैं। चलिए यहाँ देखिए योर मोबाइल नंबर इज नोट रजिस्टर्ड इन ई रोल, ठीक है। द फैसिलिटी ऑफ टू अपडेट योर मोबाइल नंबर इज अवेलेबल फॉर्म 8। यहाँ देख सकते हैं नई लिंक है और नाम भी यहाँ थोड़ा देख सकते हैं और ईपिक नंबर का 3 डिजिट देख सकते हैं। आपको याद रखना है, हम फ्लॉप बता रहे हैं जो सही बता रहे हैं, इसलिए चलिए हम इंस्टेंट लिंक करेंगे और यहाँ लिंक होगा और डाउनलोड भी होगा, ठीक है। तो चलिए हम
क्या करते हैं, यहाँ से आपको बैक हो जाना है, आपको फॉर्म पर क्लिक कर देना है। फॉर्म पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, फॉर्म एट ढूंढ लेना है। यहाँ देख सकते हैं यहाँ फॉर्म एट है, तो आपको क्या करना है, फॉर्म एट पर आपके ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। इसे फॉर्म एट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद कुछ तरह का इंटरफेस होगा ना, आपको उधर इलेक्टर पर क्लिक करना है। आप सेल्फ करते थे, सेल्फ पर क्लिक कर रहे, यानी उधर पर सिलेक्ट करना है। जैसे आप उधर पर सिलेक्ट करेंगे तो आपको क्या करना है, ईपिक नंबर इसमें डाल देना है। ईपिक नंबर हम डाल दिए हैं, ईपिक नंबर डालने के बाद क्या करना है, सबमिट पर ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ आएगा नीचे स्क्रॉल करना है और ओके के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। ओके के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको क्या करना है, तो क्या करना है, यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको किस ऑप्शन पर क्लिक करना है, आपको यहाँ बीच वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, करेक्शन ऑफ एंट्रीज इन एग्जिटिंग इलेक्शन रोल, ठीक है। तो क्या करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ओके ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे आना है और आपको क्या करना है, अब नीचे आना है और यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ आपको क्या करना है, नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद क्या करना है, फिर नेक्स्ट ऑप्शन पर यहाँ कुछ नीचे नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद ऑप्शन मिल जाएगा बहुत सारा, तो वह यहाँ मोबाइल नंबर का ऑप्शन मिल जाएगा, वो करना है, इस पर आपको क्लिक कर देना है, टिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम इस पर टिक करते हैं। टिक करने के बाद क्या करना है, जो मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं मोबाइल नंबर आप उसमें डाल देना है। चलिए हम मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद क्या करना है, सेंड ओटीपी पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, इस मोबाइल पर ओटीपी गिरेगा, वो क्या करना है, इसमें ओटीपी फिलअप करके वेरीफाई कर देना है। चलिए इसमें ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हम वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ वेरीफाई हो गया हो जाएगा और यहाँ नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको करना है प्लेस इसमें फिल करना है, जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं उस जगह का नाम इसमें डाल देना है, ठीक है। जगह का नाम डालने के बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कैप्चा कोड फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट प्रीव्यू एंड सबमिट का ऑप्शन पर यहाँ क्लिक कर देना है, ठीक है। चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं कैप्चा फिर से डालना होगा। चलिए सबमिट है, प्रीव्यू एंड सबमिट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्म इस तरह का ओपन हो जाएगा। यहाँ डिटेल है, कुछ ब्लर की है, ये डिटेल दिखाएगा और नीचे आपको आना है। नीचे आने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ऑप्शन पर ऑप्शन क्लिक करेंगे, आपको कहेगा आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट फॉर्म दिस, या फॉर्म को सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको करना है इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ कुछ तरह का यहाँ जो रिसीविंग नंबर मिल जाएगा आपको, इस पर इसको क्या करना है, कॉपी कर लेना है और यहाँ इसको सेव कर लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। चलिए हम स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, आपको क्या करना है, ओके पर क्लिक कर देना है। चलिए हम ओके पर क्लिक कर देंगे। जैसे ओके पर क्लिक करेंगे तो होम पेज यहाँ कुछ तरह का ओपन होगा, तो आपको क्या करना है, इसका ट्रैक करने के लिए आपको यहाँ पहला नंबर मिल जाएगा ट्रैक, यहाँ ट्रैक एप्लीकेशन चाहता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम जो रिसीविंग कॉपी किए थे अभी इसमें डाल देंगे और यहाँ स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए यहाँ हम डाल देते हैं। डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ सिलेक्ट स्टेट है तो स्टेट हम सिलेक्ट कर देंगे और करने के बाद आपको क्या करना है, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ देख सकते हैं सबमिट का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे हम इसका स्टेटस में, देखिए हम क्या बता रहे हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं यहाँ करेंट स्टेटस में यहाँ आपका आज का डेट दिखा देते हैं, यहाँ आज का डेट देख लीजिए और यहाँ जो ई रोल है अपडेटेड, यानी ई रोल अपडेटेड हो चुका है, इंस्टेंट हो चुका है, ठीक है। तो चलिए हम उस ईपिक को डाउनलोड करके बताएंगे इसमें मोबाइल नंबर लिंक हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो वो क्या करना है, हाँ ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन पर आना है, ईपिक डाउनलोड का ऑप्शन पर आना है और आने के बाद वो जो ईपिक नंबर है वो डाल लेना है, ठीक है। चलिए हम ईपिक नंबर डाल देते हैं। यहाँ ईपिक नंबर और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, सर्च पर क्लिक कर देना है। चलिए हम सर्च के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए नीचे आपको आना है और यहाँ देख सकते हैं मोबाइल नंबर सक्सेसफुल लिंक हो चुका है। यहाँ देख सकते हैं वही ईपिक नंबर वही नाम यहाँ देख सकते हैं। यहाँ आपको यहाँ यहाँ हमारा जो ओटीपी दिखा रहा है, यहाँ सेंड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ देख सकते हैं सेंड ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ओटीपी जाएगा और ये हम ओटीपी इस पर फिलअप करके वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए हम वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ वेरीफाई के ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे ओटीपी डालने के बाद। जैसे वेरीफाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ फिर से लॉगिन करने के लिए बोल दिया, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ लिंक करके दिखा दिए। जो ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ऐसे अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो।